स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर परोक्साइड इफेक्ट होता है, इसको हम परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है चलिए जानते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्किन इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परोक्साइड अकर्स इन अ अपोजिट मैनर दैट सजेस्टेड बाई मार्कोवनिकोव्स रूल। यानी कि ये क्या करता है, मार्कोवनिकोव रूल क्या सजेस्ट करता है कि इसके अंदर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की प्रेजेंस में जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वो ऑर्गेनिक परोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करता है, एडिशन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक, किस तरीके से आगे देखते हैं। दिस एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ HBr कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड्स इज नोन एज परोक्साइड इफेक्ट। यानी कि जो हमारा एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, वो क्या कॉज करता है, कॉज्ड बाय द, जो कि एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन कॉज्ड होता है HBr में, किस तरीके से प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड्स की प्रेजेंस में ये कॉज होता है। ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, और इसी को हम कहते हैं परोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो किस तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रो ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, यानी कि परोक्साइड की प्रेजेंस में किस तरीके से हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन होता है। When propene reacts with hydrogen bromide in presence of an organic peroxide as benzoyl peroxide, major product is 1-bromopropane, whereas in the absence of peroxide the major product is 2-bromopropane। जैसे कि यहाँ पर आपको देख पा रहा है प्रोपीन है, तो प्रोपीन के साथ में जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड ने क्या क्या रिएक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं, ठीक है, बेंजोल परोक्साइड एंड नो परोक्साइड। यानी कि एक में हमारा क्या है, परोक्साइड है, एक में परोक्साइड नहीं है, तो इसी को बोलते हैं हम, जिसमें परोक्साइड हमारा ऐड होता है, कॉज होता है, जिसमें परोक्साइड हमारा कॉज होता है तो उसको बोलते हैं हम परोक्साइड इफेक्ट, जिसमें परोक्साइड कॉज नहीं होता है उसमें हमारा, उसको बोलते हैं नो परोक्साइड, यानी कि उसके अंदर कोई भी परोक्साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा प्रोडक्ट बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा डबल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक हुआ और वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो जो हमारा ब्रोमीन है वो जा करके अटैच हुआ हमारा उसी इलेक्ट्रॉन के साथ में CH2 के ऊपर Br, आप देख पा रहे हो, तो ये हमारा क्या बन गया, बन ब्रोमो प्रोपेन बन गया। ठीक है, जिसको हम एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि परोक्साइड इफेक्ट इसके अंदर कॉज हुआ। दूसरा जो हमारा बना नो परोक्साइड, इसके अंदर क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि इसमें क्या रहा, इसमें हमारा जो बीच वाला CH है उसमें जा कर के क्या हुआ, Br फॉर्म हुआ, Br अटैच हुआ, और जो CH2 हमारा लास्ट वाला था, जो हमारा H था, वो यहाँ पर आकर के लग गया, तो ये हमारा CH2 की जगह क्या हो गया, CH3 हो गया, जिसको हम बोलेंगे 2-bromopropane। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट, यानी कि पहला जो हमारा है वो एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट है, जिसके अंदर बेंजोल परोक्साइड इफेक्ट कॉज हो रहा है। दूसरा हमारा मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बना जिसके अंदर परोक्साइड इफेक्ट कॉज नहीं हो रहा है। इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है इसका मैकेनिज्म, व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजो परोक्साइड इट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग द स्टेप्स, है ना, कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बेंजोल परोक्साइड डिसोसिएट एंड यील्ड फिनाइल फ्री रेडिकल, यानी कि यहाँ पर बेंजोल परोक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। जब यहाँ पर डिसोसिएट होगा तो ये किस तरीके से फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा 2C6H5, सी के नीचे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है एंड ओ, इस तरीके से ये फॉर्म होगा। जब इसमें हम आगे रिएक्शन कराएंगे फर्दर तो 2C8H5 यानी कि फिनाइल फ्री रेडिकल हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये बाहर हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या देखें, जो हमारा फिनाइल फ्री रेडिकल बना था वो अटैक करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड से और फॉर्म करेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो C6H5 जो हमारा लास्ट में बना था,
C6H5 उसने क्या किया, HBr के साथ में अटैक किया, तो ये हमारा फॉर्म हुआ C6H6, यानी कि H हमारा था वो क्या हो गया H5 में जाकर के जुड़ गया, तो H6 हो गया और हमारा ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमारा ये बच गया, अलग हो गया। स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल था उसने क्या किया, अटैक किया प्रोपीन के साथ में और टू गिव अनदर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, और एक अनदर फ्री रेडिकल इसने फॉर्म किया जो कि मोर स्टेबल था। कैसे किया, जो हमारा एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हमारा एल्कीन है, इसने क्या किया ब्रोमीन के साथ में अटैक किया, तो यहाँ पर हमारा बना पहला जो प्रोडक्ट बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके अंदर BR लगा ऊपर और वहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर ये यह बना, यहाँ पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल हमारा ये फॉर्म हुआ जो कि हमारा मोल स्टेबल है, और जो दूसरा हमारा जो प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर फॉर्म हुआ BR किसके साथ में, CH के साथ में, ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा परऑक्साइड अटैक हो रहा है, परऑक्साइड इफेक्ट हमें यहाँ पे आ रहा है। नोट में अगर हम देखें, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज टर्जरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, तो हमारा जैसे कि हमारा जो प्राइमरी है वो हमारा लेस स्टेबल है, जो हमारा सेकेंडरी वो हमारा उससे ज़्यादा स्टेबल है, जो हमारा टर्जरी होगा वो मोर स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देयरफॉर मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज फॉर्म प्रेडोमेंट्री। स्टेप फोर में क्या होगा, द सेकेंडरी रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट अ हाइड्रोजन फ्रॉम HBr टू फॉर्म एंटी मार्कोव निकोब प्रोडक्ट एंड डिग्रेड्स रीजनरेट्स ए ब्रोमीन रेडिकल, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन रेडिकल रीजनरेट करेगा टू, जैसे हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा एंटी मार्कोव निकोब प्रोडक्ट और रीजनरेट ब्रोमीन रेडिकल को क्या करेगा, ये रीजनरेट करेगा, दोबारा से जनरेट करेगा, कैसे करेगा, जो हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 में ब्रोमीन लगा हुआ है प्लस HBr, तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो HBr था उसका हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो ये CH2 हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 के ऊपर क्या हुआ, ब्रोमीन ने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये बचा क्या प्लस में BR हमारा सिर्फ बचा, तो BR क्या था हमारा, ब्रोमीन रेडिकल हमारा क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, दोबारा से जनरेट हो गया, तो यहाँ पे फॉर्म, तो ये क्या बन गया हमारा, वन ब्रोमो प्रोपेन हमारा ये फॉर्म हो गया। द ब्रोमीन रेडिकल गोज बैक टू स्टेप थर्ड, अब ये क्या होगा, ब्रोमीन जो रेडिकल है हमारा स्टेप थर्ड में जा कर के बैक होगा, देन रिपीटिशन ऑफ स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर लीड बाई द चैन रिएक्शन, ठीक है, लीड टू द चैन रिएक्शन। नोट अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या दे रखा है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इज गिवन बाई HBr ओनली नॉट HF, HCl एंड HI, HF एंड HCl हैव हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी, सो होमोलिटिक क्लीवेज डज नॉट अकर्स, यानी कि जो हमारा HF एंड HCl है उसके अंदर हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसकी जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हाई है, पोलरिटी हाई है, तो जिस वजह से क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज जो है वो अकर नहीं होगा, यानी कि कॉज नहीं होगा, होमोलिटिक क्लीवेज अकर्स इन HBr एंड HI टू प्रोड्यूस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्री रेडिकल, बट आयोडीन रेडिकल से प्रीफर कॉम्पलिंग रिएक्शन टू प्रोड्यूस आयोडीन, क्लियर, तो ये हमारा इतना हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, बाकी आगे जो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, यहाँ पे हैलोजेंस का एडिशन होगा, ठीक है, ये किस तरीके से होगा इसके बारे में हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, कल का हमारा लेक्चर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आएगा, बहुत ही सिंपली इजी तरीके से मैंने आपको बताया, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसको परऑक्साइड इफेक्ट जिसमें होता है, तो उसके अंदर हमने सेकंड टॉपिक कवर किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यानी कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या एडिशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
तो नेक्स्ट टॉपिक में कल फिर मिलेंगे, और आप नोट्स बनाते रहिए, मैं नोट्स को ग्रुप में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।